कहता अपर हाफ ए इंक्लाइन प्लेन, एक इंक्लाइंड प्लेन है उसके दो पार्ट कर दिए गए, अपर हाफ इज परफेक्टली स्मूथ और लोअर हाफ रफ है, ठीक है। अब एक ब्लॉक चलता है ऊपर से चलेगा नीचे आएगा और नीचे आके भी रुक जाता है, रेस्ट से चला था रेस्ट ही रहता है, तो कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड लोअर हाफ द प्लेन इज म्यू। चलो अगर एक इंक्लाइंड प्लेन है मेरे प्यारे बच्चों, ये इसके मैंने दो पार्ट किए, अगर ये एल था पूरा एल था, ठीक है, तो इसके दो पार्ट कर दिए एल बाई टू, तो ये वाला जो पार्ट है वो रफ है, यहाँ कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के है और ये एंगल कुछ थीटा है। अब एक ब्लॉक चलेगा यार कहाँ से चलेगा, ऊपर से रेस्ट से, यहाँ से एक ब्लॉक चलेगा u इज इक्वल टू जीरो से, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि फाइनली आते आते यहाँ भी रुक ही जाता है, फाइनल वेलोसिटी भी जीरो है, तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू निकालनी है। अब इसके करने के दो तरीके हैं, पहला तरीका लेंदी है, दूसरा तरीका शॉर्टकट है, ठीक है। तो जो शॉर्टकट है वो कैसे करोगे, ठीक है, हालांकि अगर आप आगे का चैप्टर पढ़े हो तभी वो लगा पाओगे, पहले तो आप लॉज ऑफ मोशन से कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा तरीका है, पहला जो तरीका है वो काइनामेटिक से कर सकते हो, भाई यहाँ पर म्यू निकालना है, और जो शॉर्टकट तरीका है वो है वर्क एनर्जी, ठीक है, वो इसको करेंगे तो उनका टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है, वो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो हम इसको शॉर्टकट तरीके से कर देते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है फिजिक्स में, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतर क्वेश्चन करने का तरीका है, ठीक है, कहीं भी लगा दो कभी भी लगा दो, ठीक है, अगर बहुत शॉर्टकट में क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। चलो होता क्या है इसमें कि अगर कोई पार्टिकल है, कोई पार्टिकल है ये, ठीक है, उस पर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, रियल नॉर्मल टेंशन इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, सूडो रियल सब, ठीक है, ऑल द फोर्सेज वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज, ठीक है, वर्क डन बाई द ऑल द फोर्सेज, जितने भी फोर्स लग रहे हैं, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द लॉ, दिस इज द थियरम, ठीक है, वर्क डन ऑल द फोर्सेज, जितने भी फोर्स लग रहे हैं सब मिला के जितना वर्क करेंगे वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, जीरो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई, जीरो, तो वर्क डन बाई द ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू जीरो हुआ, ठीक है। अगर इसी में पूछता कि यहाँ से चला था यहाँ आ गया, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज मस्ट बी इक्वल टू जीरो बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी जीरो, फाइनल वेलोसिटी जीरो है। तो इस थियरम को अगर मैं लगाता हूँ तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाता है। चलो जब ब्लॉक नीचे आ रहा तो कौन कौन फोर्स लग रहे हैं भाई, यहाँ से यहाँ आ रहा था तो इसमें नॉर्मल लग रहा था, एम जी साइन थीटा इधर लग रही है और एम जी कॉस थीटा इसके परपेंडिकुलर लग रहा है, एम जी कॉस थीटा, लेकिन जब यहाँ आएगा तो एक नया फोर्स फ्रिक्शन भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे एम जी कॉस थीटा हमेशा परपेंडिकुलर होता है, एम जी कॉस थीटा हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई वर्क नहीं होगा, वर्क डन बाई एम जी कॉस थीटा वर्क डन बाई नॉर्मल जीरो होगा, वर्क डन बाई एम जी साइन थीटा होगा, यहाँ पे वर्क डन बाई फ्रिक्शन और एम जी साइन थीटा दोनों होगा। तो यहाँ से यहाँ तक मैं लगाता हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक आया, देखना मैं कैसे लगा रहा हूँ, ठीक है। चलो वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक, तो वर्क डन बाई द फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाई एम जी साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू जीरो, यही दो फोर्स वर्क करे, बाकी कोई वर्क ही नहीं करा, तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन, वर्क डन बाई फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन का वर्क डन निकाल लो, तो फ्रिक्शन का वर्क डन कैसे निकालते हैं, वर्क क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जब यहाँ आएगा तो यहाँ, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, एल बाई टू, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट एल बाई टू, और फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू, फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एन म्यू एम जी कॉस थीटा, म्यू एम जी कॉस थीटा, और ठीक है, और ये निगेटिव आएगा, फ्रिक्शन का वर्क डन निगेटिव आएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नीचे है फ्रिक्शन ऊपर, और प्लस वर्क डन बाई एम जी साइन थीटा, जब यहाँ से यहाँ आएगा तो वर्क डन बाई यहाँ से यहाँ, तो वर्क डन एम जी फ्रिक्शन का जीरो होगा,
यहाँ से यहाँ वर्क डन बाई एम जी साइन थीटा, तो एम जी साइन थीटा का वर्क डन पॉजिटिव होगा, एम जी साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट दैट इज मस्ट बी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है हुआ एम जी ने एम जी को ख़त्म कर दिया और एल बाई टू नहीं एम जी ने एम जी को ख़त्म कर दिया, तो इधर इधर बचा एल ने एल को ख़त्म कर दिया, तो माइनस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ठीक है, माइनस ने माइनस को ख़त्म कर दिया तो म्यू इज इक्वल टू टू टेन थीटा, म्यू इज इक्वल टू टू टेन थीटा। तो इसे बहुत आसानी से हो गया यार, म्यू इज इक्वल टू टू टेन थीटा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को म्यू इज इक्वल टू टू टेन थीटा।